हेलो गाइस, वेलकम टू MFB गेमिंग YT 2.0। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने फेक पिक्सल के आइलैंड पर आ चुका हूँ गाइस। और आपने इस वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा, तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे मनी कमा सकते हो और कौन से मिनियन बेस्ट होते हैं मनी के लिए। तो आज मैं पूरी वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे 4 मिनियन स्लॉट खाली हैं और मैं यहाँ पर फ्लाई भी कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक मास्टिकल मशरूम सूप पी रखा है। तो मैं कुछ शायद से मैंने इसके अंदर वो मिनियंस रख रखे हैं मनी मिनियंस, तो देखता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कॉम्पैक्टर दिख रहा है, सुपर कॉम्पैक्टर देखता हूँ। मिनियंस यहाँ पे नहीं है, तो शायद से मैंने अपने स्टोरेज में रखा होगा एंटर चेस्ट में, तो मैं वहाँ पर से भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये रहेगा, इस मैं स्नो मिनियन लगाने वाला हूँ जो कि बहुत अच्छे होते हैं मनी के लिए। तो मैं जल्दी से इसको लगा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैंने कुछ मिनियंस को हटा करके मैं ये मिनियंस लगाने वाला हूँ। और इसके अंदर मैं एक सुपर कॉम्पैक्टर 3000 लगा देता हूँ। तो मेरे पास अभी पर्स में गैस आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1,004,005,000 है। और मुझे अभी इन मिनियंस को मुझे अपग्रेड भी करना होगा बहुत आगे तक। तो अभी के लिए तो मैं सबसे पहले सुपर कॉम्पैक्टर देता हूँ जो कि मैंने इसे बाज़ार से ख़रीदा था। तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना सका गाइस, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको आगे के बारे में बताते रहूँगा कि आपको इसमें और क्या क्या डालना है ताकि आप कैसे डेली का 1 मिलियन कमा सकें इन मिलियन से। तो अभी मैं हब के अंदर चलने वाला हूँ, तो चलते हैं गाइस जल्दी से हब के अंदर। और मैं बाज़ार पे चलने वाला हूँ और जा कर के मैं कुछ स्नो ख़रीदने वाला हूँ क्योंकि मुझे अभी अपने मिनियंस को लेवल मैक्स करना होगा। तो मैं माइनिंग पे चल कर स्नो बॉल में स्नो ब्लॉक मुझे ख़रीदने होंगे क्योंकि मेरे 3 मिनियंस स्नो ब्लॉक से होंगे अपग्रेड। तो मैं जल्दी से इसे बैक कर देता हूँ और गिन के मैं देखने वाला हूँ कि कितने हुए हैं। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे और कितने चाहिए होंगे। यहाँ पर मुझे थोड़ा और चाहिए होगा, तो मैं जल्दी से ले लेता हूँ उसको भी। और यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो मेरी इन्वेंट्री में स्पेस है तो मैं इसमें भी इंचांटेड वाला ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं इंचांटेड वाला ले लेता हूँ अपने आइलैंड पे जाने से पहले। तो यहाँ पर से मैं इंचांटेड वाले पे क्लिक करके मैं 6 स्टैग इंचांटेड वाले ख़रीद लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने इसको ख़रीद लिया और अब हम लोग चलते हैं गाइस अपने आइलैंड पर। तो हम लोग अपने आइलैंड पर आ चुके हैं और जल्दी से सारे मिनियंस को मैं अपग्रेड करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा पहला मिनियन, इसको मैं अपग्रेड कर देता हूँ। फिर एक बार और इसको अपग्रेड कर देते हैं, एक बार और इसको कर देते हैं, एंड 1 मोर टाइम इसको कर देते हैं और एक और इस बार कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ इतना बार अपग्रेड कर दिया है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्नो ब्लॉक हैं। तो इसको भी मैं अपग्रेड कर देता हूँ। ये भी अभी इंचांटेड वाले में अपग्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बार और कर देता हूँ और अब मैं नहीं करने वाला हूँ इसको। अब मैं दूसरे मिनियन के पास चलता हूँ क्योंकि मुझे सभी को मैक्स लेवल करना है। तो सबसे पहले मैं इसको भी कर देता हूँ। ये भी इंचांटेड वाले में अपग्रेड हो रहा है गाइस अभी। और इसको एक बार और मैं फिर से कर देता हूँ और ये 1 मोर टाइम। तो यहाँ पर ये भी हो चुका है और अब मैं इसको अपग्रेड कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने इसको अपग्रेड कर दिया और मेरे पास अभी स्नो ब्लॉक ख़त्म हो चुके हैं इंचांटेड वाले। तो मेरे पास 1 स्टैक पहले ही से है जो कि मेरे मिनियंस ने मुझे दिए थे। तो मैं चल के इसको भी जल्दी से अपग्रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये क्लिक हो जा और गैस मैं इसे जल्दी से अपग्रेड कर देता हूँ, मगर ये ओपन हो ही नहीं रहा है। पता नहीं शायद से कुछ ग्लिच चल रहा है, तो थोड़ी देर वेट करना होगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा वापस से। तो अब ये ठीक हो चुका है गाइस। अब मैं इसको खोल के जल्दी से अपग्रेड कर देता हूँ। ये एक बार हुआ, अब मुझे और इंचांटेड स्नो ब्लॉक चाहिए होगा। और यहाँ पर बाकी सब तो ठीक ठाक है और मेरे पास स्मॉल स्टोरेज है, तो मैं जल्दी से इन सबको लगा देता हूँ। मैं इसको लगा देता हूँ, इसको भी दे देता हूँ। और इसने अब तक स्नो ब्लॉक वहाँ पर लगाया नहीं है जहाँ पर मुझे चेस्ट रखना है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं और मैं इस पर भी आके लगा देता हूँ। और अब हम लोग चलते हैं गाइस सीधे हब के अंदर और चल के देखते हैं अंदर में मुझे यहाँ पर से थोड़े से वाइन्स लेने होंगे क्योंकि आपको पता ही है कि हमें डायमंड स्प्रेडिंग चाहिए होगा ज़्यादा मनी कमाने के लिए। तो जल्दी से हम अपने बिल्डर के पास चलते हैं और अभी हमें ग्रीन थंब में आना और यहाँ पर से वाइन मैं ख़रीद लेता हूँ। तो यहाँ पर से मैं इस तरीके से 32 में ख़रीदने वाले हैं क्योंकि मैंने अभी 4 स्नो मिनियंस लगाए हैं, तो उसके लिए मुझे 4 डायमंड स्प्रेडिंग चाहिए होगा।
और अभी मुझे यहाँ पर से स्नो खरीद लेना है, इंचेंटेड स्नो, तो मैं इसे जल्दी से खरीद लेता हूँ, इंचेंटेड स्नो गाइस। तो ये रहा हमारा इंचेंटेड स्नो, मैं जल्दी से खरीद लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ही ख़रीदने वाला हूँ, इतना इनफ होगा शायद से, और मेरे पास अब पैसे भी नहीं ज़्यादा बच रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 4,33,000 है। तो अभी मैं जल्दी से चल के गाइस इन सबको अपग्रेड और कर देता हूँ, और मैं इसको फिर से एक बार और अपग्रेड कर देता हूँ, और इसका सारा स्लॉट अनलॉक हो चुका है और ये लेवल 10 का हो चुका है। और अब मैं दूसरे मिनियंस के पास जा कर के इनको अपग्रेड कर देता हूँ, मैं इसको भी अपग्रेड कर देता हूँ, ये भी एक बार अपग्रेड हो चुका है, और अब इसकी बारी है, तो मैं इसे भी अब जल्दी से अपग्रेड कर देता हूँ। तो ये सब मेरे 10 के हो चुके हैं, और अब मैं इसको भी करने वाला हूँ, ये 9 का हो चुका है, अब ये 10 का भी हो गया, और इसको मैं मैक्स कर देता हूँ, और ये मिनियन हमारा मैक्स हो चुका है, और अब मैं इसे भी मैक्स कर देता हूँ, और अब मेरे पास वापस से कम पड़ गए हैं गाइस। तो मैं जल्दी से जाके चेस्ट से यहाँ पर से मैं इंचांटेड डायमंड निकालने वाला हूँ, जो कि मेरे चेस्ट में थोड़े बहुत पड़े हैं, 34 पड़े हैं, जिससे हमारा 4 डायमंड स्प्रेडिंग तो बन ही जाएगा आराम से। तो हमें इंचांटेड डायमंड बीच में रखना है, और उसके चारों तरफ हमें इस तरीके से रखते जाना है वाइंस। तो मैं मुझे 4 बनाना है, तो मुझे हर तरफ 4-4 रखना होगा, तो मैं जल्दी से रख देता हूँ, और यहाँ पर मैंने रख दिया, और मैं जल्दी से डायमंड स्प्रेडिंग क्राफ्ट कर लेता हूँ, और अब मैं सारे मिनियंस को जा कर के ये दे देता हूँ। तो ये आ गया हमारा, एक मिनियन को मैंने लगा दिया। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि मैं डायमंड स्प्रेडिंग कहाँ पर लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट में एक भाई ने बोला था कि उन्हें नहीं पता चल रहा है कि डायमंड स्प्रेडिंग लगाने से उन्हें डायमंड नहीं मिलता। तो इस बात का ध्यान रखिए कि मैं डायमंड स्प्रेडिंग कहाँ लगा रहा हूँ। हमें सबसे नीचे सुपर कंप्यूटर लगाना है, उसके ऊपर हमें डायमंड स्प्रेडिंग लगाना है, तभी हमें डायमंड मिलेगा। अगर आप इसको ऊपर नीचे करके लगाते हैं तो आपको डायमंड नहीं मिलेगा। तो अभी मैं वापस से हब के अंदर चलने वाला हूँ, क्योंकि अभी मुझे और इंचेंटेड डायमंड की ज़रूरत है। तो गाइस आज लगता है कि आज मैं कंगाल हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा पैसे भी नहीं बच रहे हैं, और अभी मुझे अपने सारे मिनियंस को अपग्रेड भी करना है। तो मैं जल्दी से और ख़रीद लेता हूँ, तो बाय इंस्टेंटली पे चलते हैं और मैं ख़रीद लेता हूँ। जल्दी जल्दी मैं बहुत सारे ख़रीदने वाला हूँ, और मैं किन के भी देख लेता हूँ कि मुझे और कितने ख़रीदने हैं, तो और जल्दी से ख़रीद लेते हैं। और मेरे पास अब ज़्यादा पैसे भी नहीं बच रहे हैं, सिर्फ 50,000 बच रहे हैं गाइस। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया था कि मेरे पास 1,004,00,000 कुछ कॉइन्स थे, और अभी मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं अभी जल्दी से इसको अपग्रेड कर देता हूँ। तो ये मिनियन भी हमारा अपग्रेड हो चुका है, और ये हमारा ऑलरेडी मैक्स है, और उधर वाला भी हमारा मैक्स्ड है। तो यहाँ पर हमारे 3 स्नो मिनियंस मैक्स हो चुके हैं, तो हमारा ये स्नो मिनियन को ये मैक्स करना बच गया। तो मैं जल्दी से इसे भी मैक्स कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारा एक और ये वाला जो पुराना मिनियन है, ये अभी मैक्स नहीं हुआ है, तो मैं इसे भी मैक्स कर देता हूँ। और गाइस तो मैं अपने इंचांटेड स्नो ब्लॉक को मैं चेस्ट में रख देता हूँ गाइस। और हाँ गाइस, जो भी न्यू व्यूअर्स है और जिन्होंने अभी अब तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से करिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए। और गाइस मैं आपको इस वीडियो में कोई गिव अवे नहीं देने वाला हूँ, तो अगर आपको गिव अवे चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। और आप लोग जल्दी से हम मेरा 250 सब्सक्राइबर्स जल्दी से कर दीजिए गाइस, हम लोग बहुत करीब है उसके। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे स्नो मिनियन में बस एक फ्यूल की कमी है, और ये डायमंड भी जनरेट कर रहा है। तो हाँ गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। तो मैंने आज आप लोग को बताया कि आप लोग कैसे डेली 1,000,000 कॉइन्स कमा सकते हैं इन मिनियंस से। तो आज मैंने आपको मनी मेकिंग मिनियन के बारे में बताया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।